और खबर जयपुर से है, जहां जेडी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टोंक रोड पर जेडीए ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि रिंग रोड में क्लोवर लीफ की जमीन से अतिक्रमण हटाया है। टोंक रोड पर क्लोवर लीफ की जमीन एनएचएआई को देगा अब जेडीए। आपको जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि टोंक रोड पर क्लोवर लीफ की जमीन एनएचएआई को अब जेडीए देगा। बड़ी कार्रवाई जयपुर से आपको बता रहे हैं, जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध निर्माण को हटाते हुए टोंक रोड पर जेडीए ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं और रिंग रोड में क्लोवर लीफ की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, टोंक रोड पर क्लोवर लीफ की अब जमीन एनएचएआई को देगा जेडीए। जेडीए की बड़ी कार्रवाई आपको जयपुर से लगातार बता रहे हैं। बड़ी खबर, जेडीए बेहद सक्रिय इन दिनों नजर आ रहा है। टोंक रोड पर जेडीए ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं और रिंग रोड में क्लोवर लीफ की जमीन से यह अतिक्रमण हटाया गया है। और टोंक रोड पर क्लोवर लीफ की जमीन एनएचएआई को देगा जेडीए। आपको जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए टोंक रोड पर जेडीए ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, रिंग रोड में क्लोवर लीफ की जमीन से यह अतिक्रमण हटाया गया है। जेडीए की कार्रवाई जयपुर में सामने आई है। आपको जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई के दौरान टोंक रोड पर जेडीए ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। रिंग रोड में क्लोवर लीफ की जमीन से ही अतिक्रमण हटाया गया है। बेहद बड़ी कार्रवाई जेडीए की जयपुर में सामने आई है। आपको बता रहे जयपुर से खबर, जहां जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, ये बताएं कि जेडीए इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रहा है, ये क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए लविना, रिंग रोड परियोजना को लेकर इस तरह की हाईवे पे प्रॉब्लम आ रही थी। टोंक रोड पर जो टोंक हाईवे है उस पे क्लोवर लीफ का निर्माण होना था और यह जेडीए एक जमीन को लेकर एनएचएआई को देनी थी। इसको लेकर आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, वो रिंग रोड परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे और उन्होंने जहां कहीं एनएचएआई को दिक्कत आ रही थी उसके लिए जेडीए को निर्देशित किया था कि जल्द ही इसको कार्यों को पूर्ण किया जाए। आज जेडीए ने क्लोवर लीफ के निर्माण के लिए इस जमीन से जो जी दिनेश, ये बताएं कि जो जेडीए है लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है इन दिनों, तो क्या और भी जगह पर अवैध निर्माण हटाने की प्रभावी कार्रवाई देखी जा सकती है? चलिए दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से जयपुर से खबर बता रहे, जहां जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टोंक रोड पर क्लोवर लीफ की जमीन अब एनएचएआई को देगा जेडीए। जयपुर से खबर, जहां जेडीए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है।